राजा वीरैया की जय। 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 श्रीनिवासाय मंगलम। श्रीनिवासाय मंगलम। वृद्धश्वराः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। बड़े पिताजी, बड़े राजा के सगे बेटे मलैया के होते हुए भी दामाद का मुकुट अभिषेक क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें सभा में नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ। सुन, बड़े राजा महावीर ही नहीं अच्छे न्याय निर्णायक भी हैं। अपने बेटे से हर चीज में उसका दामाद ही उचित है और पदवी के लिए भी उचित है, इसीलिए चिन्ना का वेंकट राय को मुकुट का अभिषेक किया है। मंत्रियों, सेनापतिगण, सभी बड़े पदवी वालों, बंधु मित्रों और प्रजागण, सभी को मेरा नमस्कार। उन दिनों मेरी धनुर्विद्या से खुश होकर बुक्कर आयलू जी ने इस बुक्कापट्टनम का मुझे सामंत राजा बनाया था, लेकिन अब मेरी उम्र बढ़ रही है, इसलिए अपने दामाद यानी मेरे भांजे चैनक वेंकट रायलु की बुद्धि सामर्थ्य को देखकर उससे खुश होकर मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस संस्थान का वारिस और संस्थाधीश बना दूं। अपनी सारी जिम्मेदारियां आज मैं इन्हें सौंप रहा हूं। जिस तरह आप मुझे आज तक इज्जत देते आए हैं, उसी तरह से आप अपना सहयोग और इज्जत चैनक वेंकट राय को भी देते रहेंगे, ये आशा करता हूं और निवेदन। राजा वीरैया की जय। राजा वीरैया की जय। राजा वीरैया की जय। राजा वीरैया की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी महाजनों को मेरा सादर पूर्वक नमस्कार। हमारे मामा जी मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, त्रिकरण शुद्धि से प्रजा के कष्टों को दूर कर उसका पालन करूंगा, अपना दायित्व निभाऊंगा, निष्पक्ष होकर, राग द्वेष का अतीत होकर प्रजा की समस्याओं को दूर करके दिन रात सेवा करूंगा। प्रजा की सेवा करना ही अब हमारा धर्म होगा। इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं हमारे कुल देवता श्री वरगिरी वेंकटेश की शपथ लेकर। मृत्यु से पहले तक मैं अपना वचन निभाऊंगा। प्रजाजन, खुशियां मनाइए, सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। इस पूरे सप्ताह राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। बोलो राजा वीरैया की जय। राजा वीरैया की जय। महाराजा, आपका मंत्री, सेनापति, कोषाधिपति और शास्त्री जी इंतजार कर रहे हैं। महाराज, इस अचानक बुलावे का कारण क्या है? उस समय मेरे मामा जी को दिए हुए वचन के मुताबिक और प्रजा के सामने जो प्रमाण किया, उसी का पालन कर रहा हूं मैं। फिर भी ये अग्नि परीक्षा क्यों? ये अकाल क्यों हमारा पीछा कर रहा है? भोजन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तकलीफों से गुजर रही इस राज्य की प्रजा और मूक जीव जंतु इस स्थिति से बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है क्या? आप ही जरा बताइए। महाराज, मेंढकों की शादी कराएं, गधों की शादी करा के घुमाएं और ग्राम देवता को जानवरों की बलि देंगे तो? नहीं नहीं नहीं, अपनी जान भी जाए तो चलेगा, किंतु दूसरे प्राणी की बलि नहीं देनी है। कोषाधिकारी धर्मन्ना जी, फिलहाल अपने खजाने की हालत कैसी है?
महाराज, पेनुगुंडा राय वलारी के पास से आई हुई धन धान्य की मदद, गुडविल गंगराज का भेजा हुआ धन धान्य, बहुत कुछ खर्च हो गया है। हम सब कुछ संभाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने गांव की शराब नागैया वैशाली गोविंदैया जी ने भी थोड़ा बहुत धन धान्य प्रदान किया है। महाराज, अपने आसपास के और भी राज्यों से मदद मांगी है हमने, अगले वर्ष तक अवश्य अच्छा समय आएगा। महाराज, यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। बताइए। आपको याद होगा महारानी और आपने नारायण के जन्म के पश्चात कन्या रत्न के लिए मन्नतें मांगी थी। शास्त्री जी, जो भी बता रहे हैं ठीक से बताइए। आप तिरुपति जाएं और श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करें तो मन्नत के अनुसार आपको पुत्री पैदा होगी। इतना ही नहीं, ये अकाल और कष्ट दूर हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। हाँ जीजा जी, शास्त्री जी ने जैसा भी बताया आप वैसा ही तिरुपति जाके श्रीनिवास का दर्शन करके आइए। हाँ। कल ही स्वामी जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। सेनापति जी। आज्ञा महाराज। वहाँ प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। जो हुक्म महाराज। आप देवियों की बातें तो मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाता। आप तो रहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी, आपके दर्शन के लिए आए हुए उस पुण्य दंपत्ति को देखो। बेचारे यात्रा की थकान से कैसे सो रहे हैं, देखिए स्वामी। ठीक है तो उन्हें पहाड़ चढ़ने का कष्ट नहीं होगा, ये दोनों वहीं से भेज दिए जाएंगे। ऐसी क्या बात है स्वामी, दरवाजे तक आए हुए लोगों को ऐसे ही वापस भेज देंगे। ठीक है तो फिर मंगा को यहीं बुलाऊंगा। स्वामी। पुत्री मंगम्मा, सारी प्रजा अकाल और कष्टों से पीड़ित है, तो मन्नतों से बंधकर और चढ़ाओं से बंधकर यहाँ आना सही है क्या? मानव सेवा ही भगवान की सेवा है, ये नहीं पता? वापस जाओ और जाकर गरीब और अनाथों में दान धर्म करो। मंगम्मा, अपना आंचल फैलाओ, ये तुम्हारी संतान के लिए है। मंगम्मा, ये तुम्हारी लंबी उम्र के लिए है, ये हल्दी और ये कुमकुम। प्रभु, प्रभु। प्रभु, श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी रात में मेरे सपने में अपनी देवियों के साथ आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा तुरंत मुक्कापट्टनम जाकर अकाल और कष्टों से गुजर रही अपनी प्रजा की तन मन धन से जाकर मदद करो, और कहा मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो चलेंगे। तो फिर हम तुरंत ही वुक्कपट्टनम जा करके स्वामी जी के आदेशानुसार वैसा ही करेंगे। ठीक है जी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। स्वामी, वो महाभक्त चेन्नक वेंकटा रायलू अपनी धर्मपत्नी मंगम्मा के साथ आपके आदेशानुसार दान धर्म कर रहा है। उन लोगों के राज्य से अकाल और संकट और कष्ट कब दूर होंगे स्वामी? इतना ही नहीं, उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन भी किया, उनके मन्नत के अनुसार पुत्री को कैसे देंगे? ओहो, दोनों देवियां अपने आप को स्त्री समझने लगी हैं, इसलिए पुत्री के जन्म पर इतना गहन ध्यान दे रही हैं। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं स्वामी। आपने तो मंगम्मा को हल्दी कुमकुम देकर भेजा था और आपने तो फल देकर भेजा था। घर पर आई हुई स्त्री का ऐसा सत्कार करना, ये तो हमारा धर्म है। ठीक है तो ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में वो मेरी बड़ी भक्त थी, पूजनीय,
आज मंगम्मा के गर्भ में वो तिम्मम्मा बनकर जन्म लेगी। मंगम्मा के पेट में प्रवेश करते ही अकाल और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस कलयुग में महासाध्वी बनकर उसका नाम उजागर हो जाएगा। सती तिम्मम्मा बनकर वो अमर हो जाएगी। उधर उस ओर देखिए। पुजारी जी, मेरे नाम से अर्चना पूजा कीजिए। क्या पुजारी जी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पूजा करने के लिए कहा तो कुछ बोल नहीं रहे। बहन जी रुकिए, जो अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं उनके लिए नहीं है। माता जी जो इस मंदिर में प्रतिदिन नियम से आती हैं, उनके आने के बाद ही यहाँ की पूजा प्रारंभ की जाएगी। क्या बात है पुजारी जी, हमारी युवरानी इतनी गई गुजरी है क्या? वहाँ देखिए, तिमाम्मा जी आ रही है। क्या हुआ भाभी, आप बड़े गुस्से में लग रही हो? पुजारी जी को पूजा करने के लिए कहा तो बोले तिमाम्बा जी के आने तक पूजा नहीं करूंगा और पुट्टम्मा जी का अपमान कर दिया। पुजारी जी, पहले भाभी को पूजा कर लेने दीजिए। वो बात नहीं है, आप भगवान की वरदान है, आपकी पूजा के बाद ही दूसरों की पूजा होती है। भगवान की दृष्टि में सभी एक समान है, कोई फर्क नहीं होता। पहले भाभी को पूजा कर लेने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। गोनि गोत्रोद्भवी पुट्टमनामधेवत्यः धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् श्रियः कांताय कांताय कल्याण निधये निधेत्थिनाम् श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् श्री वेंकटेश्वर पादोदकम् पावनम् शुभम् अकाल मृत्यु हरणम् सर्व पाप क्षयकरम् समस्त कार्य जयकरम् श्री वेंकटेश्वर अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। वज्राल गोत्रोद्भवी तिम्मम्म नामधेवत्याः धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् श्री वेंकटेश्वर परिपूर्ण कटाक्ष सिद्ध्यर्थम् सुवर्ण रजतस्रजाम् चंद्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो ममावह अकाल मृत्यु हरणम् सर्वव्याधि निवारणम् समस्त पाप क्षयकरम् ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम श्री वेंकटेश्वर परिपूर्ण कटाक्ष सिद्धिरस्तु। वो देखो, अपने युवराज बालवीर आ रहे हैं। बालवीर मेरे साथ खेलो ना। क्यों नहीं। बालवीर ने गुल्ली को मारा तो मटका फूट गया और इस तपती गर्मी में आपका बदन भी ठंडा हो गया। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ। औरतों के सर पर रहने वाली मिट्टी के मटके फोड़कर अपनी ताकत मत दिखाइए। अगर असली मर्द है, अगर हिम्मत है, जोश है तुम में, तो इस जंगल की गायों को खाने वाले वाघ पर दिखाइए अपनी हिम्मत। अगर हिम्मत है तो मगधीर बनो। क्या बहन जी, मिट्टी का मटका फूट गया तो आप हमारे युवराज को गाली क्यों दे रही हैं? आपको रुकिए रुकिए, इसने जो कहा वो पूर्ण रूप से सच है। प्रजा के हित में काम करके अपनी ताकत दिखानी चाहिए, प्रजा और इस समाज की सेवा करनी चाहिए। इसलिए तुरंत जाकर मैं उस बाघ को मार कर आऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे। बाघ को मारना मामूली बात नहीं है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। आप मत जाइए। बालवीर मैं भी आ रहा हूँ। क्यों रे, क्या हमारे युवराज बाघ को मार देंगे? अपने बालवीर बाघ तो क्या, शेर को भी चिड़फाड़ कर रख देंगे। तो फिर चलो हम भी चलते हैं, आओ। हाँ चलो, हाँ चलो, मैं भी आ रहा हूँ। बाघ को मारकर विजयी होकर वापस लौट रहे हैं। भला से भला बालवीर, बड़ी हिम्मत दिखाई, बाघ को मारकर गौ माता की रक्षा करके अपने गणराज वंश का नाम रोशन किया, इस गुटीवेल प्रजा के डर को हमेशा के लिए मिटाया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। 100 साल जियो बेटा। बड़ी माँ, इनके साथ मैं भी गया था। हा? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। अत्यंत पराक्रमी मेरे भाई का बेटा,
कुमार बालवीर इस राज्य का युवराज है और हमारे राज्य का होने वाला राजा होगा। बड़े पिताजी फिर मेरा क्या होगा? भाई कृष्ण राय जी, बड़े भैया, विजयनगर चक्रवर्ती के बुलावे पर वेणुगोंडा में समस्त राजाओं की सभा में उपस्थित होने के लिए मैं जा रहा हूँ। कल सवेरे ही प्रस्थान कर रहा हूँ मैं। हमारे वापस लौटने तक राज्य की समस्त जिम्मेदारी आप पर ही है। ठीक है बड़े भाई। बालवीर तुम भी अपने चाचा की मदद करो। चारों तरफ चोर और डकैत हमला कर रहे हैं, ये बात मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हें जागरूक होकर के किले की रक्षा करनी है और आप लोगों के साथ तो अपने सेनाधिपति वर्गानी मलैया जी तो हैं ही। ठीक है बड़े पिताश्री, आप निसंकोच जाकर आइए। बड़े पिताश्री एक बात बोलना भूल गया, जाते जाते रास्ते में बुक्कापट्टनम में हमारे मामा जी के घर एक दिन बिताकर ही आइए। ठीक है कुमार। हाँ बड़े पिताश्री, मामा जी को ये भी बताइए कि घर के सभी लोगों को हमने अंतः मन से याद किया है। बता दूंगा। बड़े पिताजी हमारी भाभी ते मामा को मेरा भाई बार बार याद कर रहा है। आई। महाराज की जय हो। आइए शास्त्री जी, आसन ग्रहण कीजिए। रंगराज जी को भी मेरा प्रणाम। प्रणाम। पता चला गुटी बैलू से आप रात को ही आए हैं, वहाँ सब कुशल तो है ना? वहाँ सब कुशल है शास्त्री जी। महाराज ने दरबार में मेरा स्मरण किया, इसका कारण? हाँ शास्त्री जी, कल सुबह पेनुगुंडा में विजयनगर साम्राज्य के सामंत राजाओं को वहाँ उपस्थित होना है। आज ही तुरंत निकल कर रात को वहाँ पहुँचना भी है, इसके लिए अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकालिए। अवश्य महाराज, आज दिन में सूर्य के पश्चिम दिशा में मुड़ते ही बहुत अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप प्रस्थान कर सकते हैं। पिताजी विजयनगर साम्राज्य के चक्रवर्तियों के बारे में बताएंगे? बेटा नारायण, हरिहर रायलू बुक्का रायलू 13वीं ईस्वी सदी में सन 1336 में अनी बुंदु में स्वराज्य घोषित करके बाद में लगातार विजयी होकर साम्राज्य का विस्तार किया है। तीसरे भल्लाल को हराकर पेनुगुंडा को हासिल करके दूसरी राजधानी बनाकर पालन कर रहे हैं। इनके गुरुजी विद्या आरण्य स्वामी जी अभी के चक्रवर्ती हैं, उनके पोते पहले देवराय हैं। क्या वो नारायण विजयनगर राजाओं जैसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है क्या? जीजा जी, नारायण अभी छोटा है, गर्म खून वाला है ना, इसलिए। हाँ गर्म खून से मुझे याद आया, आपका भांजा बालवीर ने क्या किया पता है? बिना बताए कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ बताता हूँ। हमारे गुडविल राज के जंगली इलाकों में हमेशा एक बाघ पशुओं को मार के खा जाता था जिससे प्रजा डरती थी। परसों ही अपने बालवीर ने उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अरे अपना भांजा इतना पराक्रमी बन गया है क्या? हाँ रंगराज जी, हमारी राजकुमारी तिम्मा अम्मा साक्षात कलयुग देव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अंश से पैदा हुई है। शिक्षा क्षेत्र में, चित्रकला में, तीरंदाजी में बहुत ही निपुण हैं वो। उन्होंने श्रीनिवास पर कविताएं लिखी हैं और बहुत अच्छा गाती भी है। अच्छा अच्छा, हमारे घर पर कदम रखने वाली हमारी बहू बहुत ही किस्मत वाली है। तिमम्मा से जुड़ने वाला हमारा बालवीर, हम, हमारे राज के सभी लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। जीजा जी, तिमम्मा हमेशा हमारी आँखों के सामने ही रहे, ये हमारी इच्छा है। रंगराज जी, ये बुक्कापट्टनम किले के नक्शे में ही आपका भी किला बना है, ये पता चला? हाँ मंत्री जी, हमारा भाई और इस घर का दामाद स्वर्गीय रामराज जी की इच्छा के अनुसार ही बनाया गया है। महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए। युवराज जी क्या आपने मुझे बुलाया? आइए मंत्री जी आइए, ये विक्रम सिंह है, चंबल घाटी के बहुत ही मशहूर डकैत। ये तो भैंसे के जैसा लग रहा है। किसी के ऊपर हमला किया तो बचता नहीं है। पहले तो जान लूटते हैं और उसके बाद माल लूटते हैं। रात होते ही गांव पर टूट पड़ते हैं, 6 महीने लूटपाट करते हैं और 6 महीने चंबल घाटी में मस्ती करते हैं। युवराज, इनसे आपका परिचय कैसे हुआ? मेरा व्यक्तिगत जासूस है ना कालिया, वो इन्हें लेकर आया है। कहाँ है कालिया? हाँ वो देखो, वो रहा। ज्यादा पीके कहीं ऊपर तो नहीं चला गया? हमें इनसे क्या काम है युवराज जी?
हमारा शत्रु रंगराज विजयनगर साम्राज्य की सभा में गया है ना, गोटी वेलू में। बलवीर इस समय अकेला होगा। होगा तो आज की रात में विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ गुटवेलू पे आक्रमण करके बलवीर को मारकर सब कुछ लूट लेगा। उन्हें मिलेगा धन और हमें मिलेगा बलवीर का शव। पिताजी की अनुमति के बिना ऐसा धोखाधड़ी, ऐसा विश्वासघात करेंगे मंत्री जी? ये धोखाधड़ी नहीं है, बदला है। बलवीर मेरा दुश्मन है। मैंने बचपन में हिरण का शिकार किया था। मेरे बाण लगा हुआ हिरण उसके राज की सीमा में चला गया था। उसने मुझे वो हिरण नहीं दिया, कहा कि मैं इसके प्राण बचाऊंगा। इसलिए बचपन से ही मैं उसे अपना दुश्मन मानने लगा हूं और उन पर हमला करने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। आज रात को ही सब कुछ योजना के अनुसार हो जाना चाहिए। कल का सूरज वो नहीं बल्कि उसकी लाश देखेगी। कुछ हो गया तो राजा जी को आपको ही जवाब देना पड़ेगा। उस बालवीर का काम आज रात को ही तमाम हो जाना चाहिए। बालवीर के हाथों से तो ये पागल मरने ही वाला है और उसके बाद तो तुझे भी अकल आ जाएगी। परसों तू जंगली बाघ से बच गया लेकिन इस चंबल डकैत से बच नहीं पाएगा। आज की रात ये मदिरा के गिलास के साथ ही सोना है क्या? कुछ नहीं विक्रम जी, आपके लिए हमारी युवराज जी ने खास तैयारी कर रखी है। पहले इसका स्वाद लीजिए, बाद में वो सब भी। महाराज, उत्तर से डकैत लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, अपने जासूसों ने खबर की। राजा जी आदेश दीजिए, मैं अभी उन्हें खत्म कर देता हूँ। रुकिए मलैया जी, उन दुष्टों ने ये दुस्साहस किया है, मैं उन्हें पाठ पढ़ा कर ही रहूंगा। बालवीर आप रुकिए, आप अभी बच्चे हैं, सेनापति मलैया और मैं जाकर उनको भगा कर आएंगे। चाचा जी, उन डकैतों को मारने के लिए आप सबकी जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जाकर उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन दूंगा। शाबाश बालवीर, शाबाश, उन डकैतों को आपने भगा दिया। वो डाकू लोग कौन थे कुछ पता चला क्या युवराज जी? मलैया जी, उनमें से एक चोर को मैं बंदी बनाकर लाया हूँ। प्रस्तुत किया जाए। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं विक्रम सिंह नाम के डकैत के साथ आया हूँ, उनकी मदद करने वाले राजा फड़िंदर ने भेजा है। चाचा जी आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र जाकर तलपुल राज का सर्वनाश करके आऊंगा। आस्तीन में छिपे सांप को बाहर निकलने से पहले ही मार देना चाहिए। शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। डकैतों को अपने यहाँ आने से रोकना एक अलग बात है, लेकिन पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करना एक अलग बात। हाँ युवराज जी, वो फड़िंदर एक डरपोक इंसान है, डकैत लोग को हमारे पास भेजकर अपनी असमर्थता दिखा रहा है, उसको तो ऊपर वाला ही देखेगा। तुरंत इस डकैत को बंदी बनाकर कारागार में डाला जाए। आमात्य जी, सभा आरंभ की जाए। जो आज्ञा प्रभु। यहाँ पधारे हुए विजयनगर साम्राज्य के चक्रवर्ती श्री श्री देवराय जी के बुलावे पर यहाँ पधारे हुए सभी सामंतों राजाओं का स्वागत है। चक्रवर्ती राजा होने के नाते देश में सुख शांति हो, यही इनकी इच्छा है। नीति नियमों का पालन करते हुए न्याय और धर्म की रक्षा करना और पूरे देश की प्रजा को अपनी संतान की तरह देखना महाराज का कर्तव्य है। आसपास के राजाओं, सामंत राजाओं और जमींदारों से दुश्मनी और कूटनीति को छोड़कर सगे भाइयों जैसा रहना इनकी इच्छा है। इतना ही नहीं,
हर राज्य में अच्छी सेना तैयार करके उसका पालन पोषण करना और विजयनगर पर आक्रमण होने की स्थिति में उसका मुकाबला करना हमारे महाराज का परम उद्देश्य है। यदि कोई भी राजद्रोह करता है या राज आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे बराबर दंड मिलेगा। यह हमारे चक्रवर्ती महाराज का आदेश है। श्री श्री देव राय जी विजयनगर साम्राज्य। सुन लिया ना रंगराज जी। प्रभु आपके बालवीर के बारे में सुना है, बाघ से लड़कर उसे मार डाला। जी प्रभु। यदि आप अनुमति दें तो उसे विजयनगर की सेना का सेनापति बनाना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा भाई क्षय रोग से ग्रस्त है। हमारे राज का कर्ता धर्ता बालवीर ही है। इस विषय में मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। ठीक है, आप पर ही छोड़ देते हैं। नरसिम्हा नायक। प्रभु आपके तुलुपुला राज पर बहुत बड़ा आरोप है। आगे से ठीक तरह रहिए, अन्यथा हमें विवश होकर आपके राज के राजा को बदलना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी है। जी प्रभु, मैं ध्यान रखूंगा कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो। सेनापति इन्हें समझाइए। जो आज्ञा महाराज। सभा को नमस्कार। 15 दिनों में पेनुगोंडा के गुरुकुल में साल भर में शिक्षा युद्ध तंत्र सिखाने के लिए बंदोबस्त किया गया है। 18 साल के युवा लड़के आकर के इन विद्याओं का अभ्यास करें और युद्ध कलाओं का ज्ञान लें और इसमें पारंगत बने, ऐसी महाराज की आज्ञा है। आपका रात का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। शुभ दिन हो पिताजी। शुभ दिन हो नारायण, यहाँ आकर बैठो। आपका भाई रात में थोड़ा देर से आया था, तब तक आप लोग सो गए थे। हाँ ठीक है, तिमाम्मा कहाँ है? देखा नारायण, हम सभी लोग यहाँ पर हैं, तो भी तुम्हारे पिताजी का मन तिमाम्मा पर ही है। वेंकट राव तिमाम्मा को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर वो शादी करके ससुराल चली गई तो? माता ऐसा मत बोलिए। फिर क्या बोलूं बताओ। वो बात नहीं है सासू माँ, असल में वो एक घर जमाई ढूंढ रहे हैं। अपना बालवीर है ना? हाँ माता, मेरी भी यही सोच है, लेकिन सासू जी सही कह रही हैं। बालवीर ही तिमामा का पति बने तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। हाँ पिताजी, बालवीर हमारी बहन से शादी करेगा तो हम दोनों कृष्ण अर्जुन जैसे रहेंगे। देखो सभी की एक ही सोच है। लेकिन जीजा घरेलू मामला है, इसलिए शायद नहीं मानेंगे वो। उस तिरुमला श्रीनिवास की कृपा रहेगी तो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तिमाम्मा कहाँ है? पिताजी आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पिताजी हाँ? वरगिरी वेंकटेश्वर का प्रसाद है ये। श्रीनिवास ये लो माँ। तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ तिमाम्मा। कौन है वहाँ? वो उपहार लेकर आओ। जी महाराज। बेटा। जी पिताजी। पोटम्मा ये ले लो और ये तुम ले लो। वो मुझे भी चाहिए। बेटी क्या सोच रही हो तुम? रंग संदूक के लिए ना? वो हिल ना जाए इसलिए संभाल के रखा था। वो रंग बिरंगी संदूक लेकर आओ। जी महाराज। ये ले लो बेटी। ये रंग बिरंगी संदूक क्यों? मेरी प्यारी बहन के मन में बालवीर का चित्र बनाने के लिए। तब जीजा का चित्र नहीं बंदर का चित्र बनेगा। पिताजी देखिए ना, भैया किस तरह से चिढ़ा रहे हैं मुझे, इन्हें घर से बाहर भगा दीजिए। बेटा नारायण, पेनुगोंडा गुरुकुल में सामंत राजाओं के वारिशों को शिक्षा और युद्ध तंत्र लगभग साल भर सिखाया जाएगा। 15 दिनों में शुरू हो जाएगा, तुम भी वहाँ जाने की तैयारी शुरू करो। जो अरे बाप रे, साल भर भैया को देखे बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? अभी तो इसे किले से बाहर भगाने के लिए कहा था। वो तो सब झूठ मूठ का था माँ,
भैया का रहना ही मेरे लिए सौभाग्य है। देखी ना इन भाई बहन की अनबन। वेंकटेश्वर, इन दोनों भाई बहनों के बीच प्रेम और अनुराग इनके मरते दम तक ऐसा बना रहे। बड़े पिताश्री, उस तलुपुलो नरसिम्हा नायडू के पुत्र फणिंद्र नायडू का नाटक रोज रोज बढ़ रहा है। क्या हुआ बेटा? परसों आप पेनुगोंडा गए थे, ये बात जब उसे पता चली तो उसने डकैतों से अपने किले पर हमला करवाया। जी महाराज, बालवीर ने उन डकैतों को यहाँ से भगा दिया। शाबाश बालवीर, शाबाश। ये गंगराज वंश का छात्र इतना हिम्मती और पराक्रमी है, एक बार और उन लोगों को सिद्ध कर दिया। दोबारा? हाँ बेटा, उन लोगों से दुश्मनी आज की नहीं है, उनके दादा की दुश्मनी तुम्हारे दादा से थी। वो कैसे? हाँ, उनके दादा चंद्र नायडू उस समय इस गुटविल साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने एक बार तुम्हारे दादाजी को हानि पहुंचाना चाहा, तुम्हारे दादा ने उन्हें मार के इस राज्य से उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया। उस पर हमेशा नजर रखना तुम बेटा। ठीक है। अरे आपने हमारे भाई वेंकट राय के घर की बातें नहीं बताई, तिमामा कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है, अपनी तिमामा लाल गुलाब जैसी दिख रही है। वो वीड़ा बजाते हुए मधुर गीतों से श्रीनिवास का कीर्तन करती हुई, आहा कितनी सुंदर दिखती है। हाँ पैसे बता रहे हैं तो मुझे अभी जाकर उसे देखने का मन कर रहा है। हाँ बोलना भूल गए बालवीर, वेणुगोंडा गुरुकुल में साल भर के शिक्षण के लिए तुम्हें जाना होगा, 15 दिनों में तुम्हें निकलना होगा, सारी तैयारी कर लो। ठीक है। पुत्र फणिंद्र, मंत्री जी ने सारी घटना हमें विस्तार से बताई है। विजयनगर से चक्रवर्ती राजा की हमें चुनौती मिली है, यदि हमने बुद्धि से काम नहीं लिया तो ये राज्य अपने हाथों से निकल जाएगा। पिताजी, बालवीर मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बदला लिए बिना मैं सोऊंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कुमार, रंगराज से हमारी दुश्मनी आज की नहीं है, पुरखों से चली आ रही है। रंगराज पूर्व काल में पेनुगोंडा का जो राजा था भल्लाल, उसकी तीसरी संतान है। इन लोगों के मुखिया का नाम था गंगराज, उसने अपनी बृहद सेना के साथ स्थानीय लोगों को भगाकर अपने लोगों की मदद से किला बनाकर राज करता था। तुम्हारे दादाजी अत्यंत बलशाली थे, इसीलिए सेना में उन्हें सेनापति की पदवी मिली थी। एक बार की बात है, उन पर अकारण दोष लगाकर उन्हें सेना से निकाल कर उन्हें घोर अपमानित किया गया। इसका मतलब वो जो महल के सुख भोग रहे हैं वो हमारे दादाजी की दी हुई भिक्षा है। हाँ युवराज, वो अपना ही आशीर्वाद है। अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हमें उस गंगराज के किले को गिराना है, उसके वंश का सर्वनाश करना। पिताजी आज्ञा दीजिए, जाकर उसका अंत करके आऊंगा। कहीं तुम्हारा ही वंश ना खत्म हो जाए। शांत हो जाओ पुत्र फणिंद्र, समय आने पर सभी लोग साथ आएंगे और पूरे वर्ष भर पेनुगोंडा में शिक्षा और युद्ध तंत्र सिखाएंगे। तुम शक्तिशाली बनोगे और तुमने जो सोचा है वो साकार होगा। युवराज के चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बालवीर भी आएगा। उसका अंत वही करूँगा। मंत्री जी, फणिंद्र के प्रस्थान की तैयारी करवाइए। जैसी आज्ञा महाराज। युवराजाओ, मुझे आपका नाम और राज का विवरण दीजिए। मेरा नाम नारायण है, मेरे राज का नाम बुकपट्टनम है। मेरा नाम है बालवीर और हमारा राज है गुटवेलू। तो यही है बालवीर। मेरा नाम धर्म नायडू है, हमारा राज नागराज है। मेरा नाम फरिंद्र नायडू है और राज्य का नाम तलुपुलु है। मेरा नाम वेंकटपति नायडू है, हमारे राज का नाम चंद्रपुर है। Let's go.
जीजा जी, हमारा शिक्षण काल पूरा होने जा रहा है। हाँ साली जी, मुझसे दूर होकर मेरी बहन तिमम्मा कैसी है पता नहीं। अगर ये बात है तो मेरी बहन पुट्टम्मा को देखने का मन नहीं करता। अच्छा ये बताइए, आपकी वही नाटी बहन पुट्टम्मा है क्या? अच्छा तो मेरी बहन नाटी बहन है तो तुम्हारी बहन गुलाब का फूल है जीजा जी। ओहो, तुम अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो? प्रेम ही नहीं जीजा जी, मेरे लिए मेरी बहन पंच प्राण है। ओहो, भाई बहन की तारीफ कर रहा है। तिमम्मा खूबसूरत युरानी है और हमारे तकदीर की देवी है। हाँ साले जी, तिमम्मा की खूबसूरती और रहन सहन के बारे में हमने बड़े पिताश्री से सुना है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कब तिमम्मा को देखूं। जीजा जी, तिमम्मा को बहू बनाने के लिए कई श्रीमंत कन्नड़ देश से समाचार भेज रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या आप इस तरह रुक क्यों गए साले जी? तिमम्मा के दिल में आपने जो जगह बना रखी है, आपके सिवा किसी और से वो शादी नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, दादी माँ रोज एक बार तुम दोनों की शादी के बारे में चर्चा करती हैं। देखिए साले साहब, मुझे भी आपकी बहन बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं शादी करूंगा तो तिमम्मा से ही करूंगा, और अगर नहीं हुई तो जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। कितनी जल्दी मैं घर जाऊं, ये खुशी की बात अपनी बहन तिमम्मा को बताने का बहुत मन कर रहा है। राजू, शिक्षण काल पूरा होने के कारण सभी को कल सवेरे प्रतिस्पर्धा का इम्तिहान देने के लिए तैयार रहने का चक्रवर्ती का आदेश है। मतलब तिमम्मा बहुत खूबसूरत है, अप्सरा जैसी। किसी भी तरह बालवीर को हटाकर तिमम्मा को हासिल करना होगा। हाँ, तुम्हारा शिक्षण काल पूरा हो गया है। अब तक हुए सारे शिक्षण काल में बालवीर ही प्रथम स्थान पर रहा है। और नारायण दूसरे स्थान पर। अब इन्हें जो भेंट मिलेगी वो चक्रवर्ती के हस्ते। प्रणाम पिताजी। बेटा नारायण, बहुत दुबले हो गए हो। बेटा नारायण, तुम्हारे शिक्षा के दिन कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे हैं पिताजी। बालवीर की प्रतिभा के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। बालवीर को प्रथम स्थान और मुझे द्वितीय स्थान मिला।
उसके अंदर उसके मामा के सारे गुणगान जो आ गए हैं। वो अपना लक्ष्मा का बेटा है, उसके माँ बाप जिंदा होते तो कितने खुश होते। माता, बालवीर को स्वयं चक्रवर्ती जी ने सोने का हार पहनाकर, हीरे की अंगूठी पहनाकर उनकी बहुत तारीफ की है पिताजी। भैया आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो तिमामा का पति होगा, ये बात तो तिमामा के पैदा होते ही सोची थी। नारायण और पोटम्मा की, बालवीर और तिमम्मा की विवाह जो कराना है, लेकिन तिमम्मा को ससुराल भेजना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर बालवीर को अपने घर दामाद बना कर ले आएंगे पिताजी? हाँ, हाँ। नारायण जो बोला वो बिल्कुल सही। गुरुकुल में बालवीर ने मुझे बताया था कि तिमम्मा को बहुत पसंद करते हैं। फिर देर किस बात की है, जल्दी से अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है, आप सब लोग जब बोल ही रहे हो तो मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। क्या हुआ कुमार, इस तरह बैठे हो, चेहरा उतरा हुआ है, आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं पिताजी, गुरुकुल में भी मुझे अपमान ही मिला है। क्या कह रहे हो, अपमान? पेनू गोंडा चक्रवर्तियों ने विद्याभ्यास के लिए बुलाकर अपमान किया? ये बात नहीं है पिताजी, गुरुकुल में बालवीर मेरे बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने वहां सभी प्रतियोगिताओं में मुझे हराकर पहला स्थान प्राप्त कर लिया। सभी खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे और मेरा खून खौल रहा था। रोते रहो। क्या कहा आपने? मैंने कहा युवराज जी आप रोइए मत। मंत्री जी, आपको ही कोई व्यू रचना करनी है, धोखेबाजी करके ही सही, लेकिन बालवीर को रास्ते से हटाना है। तुम गुरुकुल से अभी अभी आए हो, थोड़े समय तक विश्राम करो, जय पराजय भगवान के हाथ में है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आपको एक बात बतानी है, उस बुक्कापट्टनम चेन्नक वेंकट राय की बेटी तिमम्मा, सुना है बहुत खूबसूरत और गुणवान। अरे काम पिशाच, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उनका भांजा बालवीर है तो अपना रिश्ता कैसे मानेंगे युवराज? इसीलिए तो पहले बालवीर को खत्म करना है, उसे मार करके तिमम्मा से शादी करनी है। अरे पापी, ऐसा पक्का षड्यंत्र कीजिए कि किसी को शक ना होने पाए। हमारे गंगराज वंश को इज्जत और शोहरत दिलाने वाले हमारे बालवीर को गुटुवेल राज का संस्थानाधीश बना रहा हूँ, और वेंकटपति रायलू उनके आंतरिक सहायक बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। गुरुकुल में सभी विषयों में प्रथम रहकर विजयनगर के चक्रवर्तियों से प्रोत्साहित होकर बालवीर ने हमारे राज्य का नाम बढ़ाया है, अतः मैं अपनी तरफ से इन्हें दो गांव उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। बड़े पिताजी, मुझे भी कुछ काम बताइए ना। महाराज, इसे अपने सेना का दंड नायक बनाएंगे। प्रभु, अपने बालवीर की शादी करके उसे घरवाला बना देंगे तो अच्छा है। हाँ महाराज जी, महारानी जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर तुरंत दुल्हन को ढूंढना चाहिए। प्रभु, अपनी भांजी तिमामा है तो दूसरी बहू क्यों ढूंढना है? वो बात नहीं है चंद्रमती, मैं परसों बुक पटनम गया था तो चिनक जी कह रहे थे अगर घर का दामाद बना ले तो कैसा रहेगा। तो फिर बालवीर का तिमामा से शादी करने का कोई योग नहीं है? जैसी ऊपर वाले की मर्जी, अच्छा दिन देख के चिनक वेंकट राय को समाचार भेज दूंगा। नमस्कार। क्या हुआ बहन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ भैया, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा, क्यों? मुझे कुछ कहना था। वो बोलो बहन। अगर आप अपने जीजू बालवीर की रूपरेखा का वर्णन करेंगे तो मुझे चित्र बनाने में आसानी हो जाएगी। तो फिर बनाना शुरू करो बहन।
अरे ये तो एकदम बालवीर के जैसे लग रहे हैं। इतनी अच्छी चित्रकारी कैसे करी बहन? जीजू ये बताइए, उस तिमामा को मेरे भाई से प्यार है क्या? हाँ, है तो। इस चित्र को किसी भी हाल में मुझे मिटाना है। आइए चलिए। अरे वाह, आप इतने खूबसूरत हैं, मैं तो इतने दिनों तक आपको पहचान ही नहीं पाई। अरे युवरानी जी, अकेले में किससे बातें कर रही हो? अरे वाह, कितने खूबसूरत हैं। कौन है ये राजकुमार? और कौन हो सकता है युवरानी का होने वाला पति बालवीर के सिवा? तो फिर चलो, अपना यहाँ पर क्या काम। चलो चलो। महाराज की जय हो। नमस्कार शास्त्री जी। आपने पंचांग के साथ मुझे बुलाया, कोई विशेष बात? बैठिए शास्त्री जी। धन्यवाद महाराज। बच्चों का विवाह कराना था इसीलिए बुलवाया है। कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए इन लोगों की शादी के लिए। आइए शास्त्री जी, हमारी इच्छा है कि इन दोनों का विवाह हमारे जीते जी हो जाए। शास्त्री जी, कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए। अवश्य निकालूंगा। महाराज, पोट्टम्मा नारायण का विवाह अगले माघ मास में कराना अत्यंत श्रेष्ठ है। तत्पश्चात तिम्मम्मा की कुंडली के अनुसार आने वाले 6 महीनों तक विवाह हेतु शुभ मुहूर्त नहीं है। बेटा वेंकट राव, बालवीर को घरदामाद बनाने के लिए बात करनी थी ना, नारायण पोट्टम्मा की शादी में रंगराज से बात करने का सही मौका मिलेगा, यही समय उचित रहेगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। वैसे भी नारायण और पोटम्मा तिमाम्मा से उम्र में बड़े हैं, पहले उन लोगों का विवाह करेंगे। शुभाश्य शीघ्रम, मैं चलता हूं। ये रूपवती कौन है? बहुत खूबसूरत लग रही है। ये चेन्नक वेंकट राय की बेटी है तिमम्मा। इनसे शादी करने वाला बहुत तकदीर वाला होगा। और कौन? गुडवेलो युवराज बालवीर है। अच्छा हाँ। ऐसा है क्या? भाई जी, मुझे आए तो बहुत समय हो गया। आपको यहाँ देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे भी। इसी तरह मैं आपके साथ जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ। अपनी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी चाहत जरूर पूरी होगी तिमम्मा। इन्हें तस्वीर दिखाकर आश्चर्यचकित कर देती हूँ। सुनिए जी, आप जरा यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं अपनी तिमम्मा की बालवीर से शादी जो कराना चाहता हूँ, इस बात से क्या अभिप्राय है? हमें कोई अभिप्राय नहीं, वो आपका भांजा है। आपकी बेटी के साथ शादी कराने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। रंगराज जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वेंकट राय जी बालवीर को अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा भाई कृष्ण राय 6 रोग से ग्रस्त है और मेरे पुत्र वेंकटपति राय में इतना सामर्थ्य नहीं। अब बचा है तो सिर्फ बालवीर। बालवीर को घर जमाई बनाएंगे तो हमारे गुटवेलू साम्राज्य की हालत क्या होगी, आप जरा सोचिए। बालवीर को घर जमाई बनाकर भेजना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
हमें थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, फिर बताता हूँ। आखिरकार बालवीर है कहाँ? हाँ? हेमंत? छोड़ दो ना, आखिर तुम यहाँ क्यों आए बताओ? छोड़ो ना मुझे, कोई देख लेगा। गले लग जाओ, छोड़ो ना, लग जाना, छोड़ो मुझे हेमंत, लग जाओ। हेमंत, बालवीर को बुला कर लाओ, मुहूर्त गड़बड़ है, तुरंत निकलना है। हाँ बड़े पिताजी। बालवीर, बालवीर, बड़े पिताजी जा रहे हैं, आपको तुरंत बुलाया है। ठीक है, चलो चलिए। यहीं पर तो थे, कहाँ चले गए? सासू जी, शादी अच्छे से हुई ना? हाँ, अच्छे से हो गई बेटी। पिताजी, बालवीर के शादी का प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा? देखो बालवीर, तुम्हारे मामा वेंकटराव तुम्हें घर जमाई बनाना चाहते हैं। आपका क्या अभिप्राय है? चाचा जी, तिम्मम्मा से शादी करना तो मुझे पसंद है, लेकिन घर जमाई बनने की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ी माँ और बड़े पिताश्री ने ही माता पिता बनकर मुझे पाला है। जो आप सबकी राय है वही मेरी भी राय होगी। छी दरिद्र, घर जवाई के लिए हाँ बोलता तो मेरा पति वेंकटराव राजा बन जाता। देखो बालवीर, वेंकटपति राव इतने समर्थ नहीं है, हमारी तो उम्र हो गई। अपने इस गंगराज वंश की इज्जत और मर्यादा बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बड़े पिताश्री, मैं तिम्मम्मा की आशा तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपकी बातें नहीं टाल सकता। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत बोलो। भाई वेंकटराव को समझा कर तिम्मम्मा से तुम्हारी शादी करवा देंगे हम। अहिंसो परमो धर्मा, ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, ये शरीर तो नश्वर है, इंसान असली विषय भूलकर अन्य सुखों में उलझ रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। महामंत्री जी। प्रभु, बालवीर कहाँ पे हैं? कल से उनका अता पता नहीं। महाराज जी, मैं भी इसी विषय में सोच रहा हूँ। कोई खेल के लिए गया है तो कोई शिकार के लिए गया है, लेकिन अपने हेमंत तो यहीं पर है। हेमंत यहीं पर है? ए हेमंत, बालवीर कहाँ पर है? बालवीर कहाँ है बताओ। वो बालवीर मतलब बालवीर कहाँ गए तुझे पता है ना? पता है बड़ी माँ, अपने गांव में 2-3 दिन पहले बौद्ध भिक्षु आए थे ना, उन लोगों ने कुछ उपदेश दिया था, उनसे प्रभावित होकर। क्या प्रभावित होकर? बोलो जल्दी बोलो। ये जीवन और ये संपत्ति सब पल भर के लिए है समझकर इस किले को और इस राज्य को छोड़कर चले गए बड़ी माँ। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझसे वचन लिया कि जब तक मैं चला नहीं जाऊँ किसी को भी मेरे जाने के बारे में मत बताना। जंगल में बाघ या शेर उसे मार कर खा जाएगा तो अच्छा होगा। बालवीर बेटा, कहाँ हो तुम? कितना दुख सहते हो तुम? महाराज की जय हो, कोई ज्योतिषी जी आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेजिए। महाराज की जय हो, बालवीर नहीं दिख रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए, वो जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। जंगलों में सन्यासी बनकर योगियों के साथ मिलकर जीवन का मोक्ष पाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत अच्छी बात है, आपके आने से हमें खुशी मिली। हाँ मंत्री तिपन्ना जी, ज्योतिषी जी का सत्कार करके भेजिए। ठीक है प्रभु, आइए मेरे साथ। कृतज्ञ हूँ महाराज। हरे इंद्र, ये क्या है, हमेशा मदिरा पान? नहीं नहीं महाराज, सिर्फ मदिरा पान नहीं कर रहे हैं, औरतों पर भी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं आजकल युवराज। बंद कर, मुंह बंद रख।
पिताजी का गुस्सा सूखी घास की तरह है, उस पर ध्यान मत दे। महाराज, युवराज शादी कर लेंगे तो अच्छा है। सत्य है मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे बेटे ने बुक्कापट्टनम वेंकटराय के घर पर एक समारोह के समय तिम्मम्मा को देखा था। जैसा तुमने बताया था, वो अत्यंत सुंदर और रूपवती है। उसके सौंदर्य का कोई जवाब नहीं। उसे बहू बनाने की तो मेरी भी इच्छा है। कौवे के नाम पे पका हुआ टेंडली। पिताजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों के बाद आपके मुँह से एक अच्छी बात सुनी है। लेकिन उस बालवीर को रास्ते से हटाना होगा। इस हेतु अपने मंत्री करुणाचल जी एक अच्छी योजना बनाएंगे बेटा। बनाऊंगा बनाऊंगा, उसमें तू ही मरेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महाराज जी, फिर भी मैं कोई न कोई चक्रव्यूह जरूर रचूंगा। युवराज खुद ही अपनी मौत लेके आ रहा है। युवराज, आपने कभी तिमम्मा को देखा है? नहीं देखा, लेकिन जब भी उसकी बात सुनता हूँ तो फौरन जाकर देखने का मन करता है। ऐसा है तो तैयार हो जाइए युवराज, हम वेश बदल कर बुक्कापट्टनम में तिमम्मा कहाँ पर है ढूंढ कर हम मिलकर आएंगे। युवराज युवराज, वो देखिए। अरे कालिया, वो जो बीच में है वही तिमम्मा है ना? युवराज जी, युवराज जी, बिल्कुल रंभा जैसी दिख रही है ना? कालिया, रंभा जैसी नहीं रहे, वो तो साक्षात देव कन्या लग रही है। हाँ युवराज जी, आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी युवराज जी। हाँ रे, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, इतनी सुंदर लड़की धरती पे दूसरी नहीं हो सकती। युवराज जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। पता ना, आप उस तिमम्मा से शादी कर लीजिए तो सभी दासियां मेरी हो जाएंगी। उतर नीचे। अब तो बालवीर को मार के ही इस तिमम्मा को अपना बनाना है। युवराज जी बस कीजिए, उनके सैनिकों ने देख लिया तो गड़बड़ जाएगी। अब तो हमने भेष बदल दिया है ना जी। मेरी बात सुनिए, अभी चलिए यहाँ से। चलिए चलिए, रुकना। अरे चलिए, अरे रुक, चलिए, देखने तो दे। राजा चन्नक राय जी को मेरा प्रणाम। आइए शास्त्री जी। आपने मुझे याद किया महाराज, कोई विशेष बात? हाँ शास्त्री जी, तिमम्मा स्वयंवर के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए। हाँ, स्वयंवर हेतु? हाँ शास्त्री जी, मंत्री चिनप्पा से मैंने इस विषय पर सलाह ली है। उनके व्यू के हिसाब से तिमम्मा के स्वयंवर का प्रचार करेंगे तो वो बालवीर जहां कहीं पर भी रहेगा तो वो आकर स्वयंवर में जीत कर तिमम्मा से शादी करेगा, ऐसा बताया था। इसके लिए हमने ये बात स्वीकार की है। सर्वोत्तम महाराज, इसी गुरुवार को अत्यंत शुभ मुहूर्त है, उसी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। हाँ, दया करके ये बात कहीं फैलने मत दीजिएगा। जो आज्ञा महाराज, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ठीक है। देखा चंद्रमती, वेंकट राव ने अपनी बेटी तिमम्मा का स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा है। वो भी केवल घर जमाई लोग ही स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। इस स्वयंवर में भाग तो लेना ही पड़ेगा। ये लो निमंत्रण पत्रिका। कितना कठिन मनुष्य है ये, अपने भांजे पर जरा सा भी रहम नहीं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, हम लोग भी अपने बालवीर को घर जमाई बनने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त हमारे पास भी तो नहीं है। ये तो अपना अपना कर्म है, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर फिर क्यों आए, और उन लोगों की बातें सुनकर सब कुछ छोड़कर जंगल जाने का क्या उचित है? नहीं आएगा तो अच्छा होगा, मेरा पति राजा बन जाएगा। न जाने कौन से जंगलों और पहाड़ों में वो घूम रहा होगा, इस स्वयंवर के बारे में उसे कैसे पता चलेगा। कम से कम उस तिमम्मा की पूजा का कुछ तो असर होता। वो बालवीर वापिस लौट कर तिमम्मा से शादी करेगा तो अच्छा रहेगा। उस जोशी ने जैसे बताया है कि बालवीर लौटकर जरूर आएगा, ऐसा मेरा भी भरोसा है। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। नहीं मलैया, दंड नायकों और सिपाहियों को वहां भेजो। ठीक है महाराज। बड़ी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बड़ा बेटा जंगल और पहाड़ों में घूम रहा है, इस बात से हम दुखी हैं। ये कैसा नाटक है जो तुमने ऐसा भेष बनाकर रखा है हेमंत? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ बड़ी माँ, मैं साधु बना हूँ इसलिए ताकि बालवीर जी को यहाँ पर वापस ला सकूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ।
हर हर महादेव, शंभो शंकर, हर हर महादेव, शंभो शंकर। देखिए महाराज, अच्छा समय आया तो चल के आने वाला बच्चा पैदा हो, ऐसा बोलते हैं। इस तलुपुला युवराज फटिंदर का भी तकदीर ने दरवाजा खड़खड़ाया। आप बहू बनाना चाहते थे इसलिए तिमम्मा के स्वयंवर का निमंत्रण भी मिल गया। एक तरफ बालवीर का संन्यास और दूसरी तरफ तिमम्मा का स्वयंवर। इन इम्तहानों में फणिंदर जी जरूर जीतेंगे, तिमम्मा से ब्याह करेंगे, ये मैं पक्का बता सकता हूँ महाराज। बिल्कुल ठीक कहा महामंत्री जी ने, स्वयंवर में जीत मेरी ही होगी और तिमम्मा भी मेरी ही होगी और बुक्कापट्टनम भी मेरा होगा। अगर स्वयंवर में बालवीर आ गया तो? वो नहीं आ पाएगा, वो तो बिना कुछ खाए पिए पहाड़ों और जंगलों में घूम रहा है। अगर वो वापस आ भी गया तो मुझसे जीत नहीं पाएगा। सपना देखते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। बुक्कापट्टनम के चारों तरफ पहरा बिठा दो, बालवीर अंदर नहीं आना चाहिए। बालवीर को किसी भी तरह रोकना होगा, अगर वो कहीं दिख जाए तो उसे फौरन रास्ते से हटा दीजिए। ये तेरे स्वयंवर का निमंत्रण नहीं, तेरी मौत का निमंत्रण है। युवराज जी सुनिए, आप स्वयंवर के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए सब अच्छा होगा। पेट भर खाना खाए 3 दिन हो गए। हे भगवान, बालवीर नहीं मिले तो स्वयंवर हो जाएगा। बालवीर को ढूंढकर बुक्कापट्टनम जाना है, नहीं तो स्वयंवर रुकवाना पड़ेगा। हे भगवान, भूतपति, हम लोग यहाँ पर है, ये स्वामी जी को पता ही नहीं, वो यहीं पर आ रहे हैं, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। वहाँ पर कुछ साधु लोग दिख रहे हैं मुझे, पहले पेट भर खाना खाऊंगा, उसके बाद बालवीर जी का पता लगाऊंगा। ए भूत पत्नी, मैं कब से भूखा हूँ, कुछ तो बना के मुझे खिला दे। क्या बात है, आप लोग साधु हैं, भूत का नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। आप दोनों का व्यवहार बड़ा अजीब है। चिड़िया की सब्जी बनाओ या खरगोश की बनाओ? ब्राह्मण होकर आप लोग मांसाहार करते हैं। असल में चिड़िया की सब्जी बोले तो मशरूम की सब्जी होगी, और अगर खरगोश बोले तो समझो सूरन की सब्जी। बाप रे, ये लोग तो भूत हैं, भाग लो यहाँ से नहीं तो खा जाएंगे। बेटी तिमम्मा, सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करो, मन की सारी कामनाएं पूरी होंगी। स्वामी, मेरी बहन तिमम्मा अपना दिल बालवीर को दे बैठी है, वो दूसरे को पति नहीं मान सकती है, कैसे भी करके इस समस्या का समाधान निकालिए प्रभु। भैया, मेरे सपने में अलुवेल मंगम्मा श्रीनिवास जी ने दर्शन देकर सब अच्छा ही होगा ऐसा आशीर्वाद देकर गए हैं। भगवान दिखाई दिए सपने में, लगता है सपनों में झूल रही है। हा? देखो डरो मत बहन, तुम किसी की भी बात मत सुनो, ये श्रीनिवास जी का वर प्रसाद है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी रहनी चाहिए। हैं? जाओ बहन। ठीक है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। स्वामी जी, मैं गुटवेलू राज का युवराज बालवीर हूँ, मेरी बाल अवस्था में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, मेरा जीवन अशांत है, बहुत से दुख भरे हैं जीवन में, इसलिए बैरागी बनकर आपके पास शिष्य बनकर आया हूँ, मुझे आपका शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं शिष्य बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बालवीर, तुम्हारा कर्मफल अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम गृहस्थ जीवन में रहकर एक महासाध्वी के पति बनकर, महावीर बनकर, कर्षक धर्म योगों के साथ भवसागर को पार करना होगा। उस श्रीनिवास के वर प्रसाद से जन्मी तिमम्मा
तुम्हें मन ही मन अपना पति मान कर बैठी है। तुम्हारे मामा ने उसके स्वयंवर का प्रचार किया है। कल सुबह ही उसका स्वयंवर है। तुम्हारे लिए तिम्मम्मा और नारायण राह देख रहे हैं। तुम शीघ्रातिशीघ्र जाओ। स्वामी जी, समय बीत गया है, मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? और इस वेश में बिना हथियार के? ओम श्रीनिवासाय नमः। स्वामी जी, ओम श्रीनिवासाय नमः। महाप्रसाद, वो देखो, वो जो घोड़ा दिख रहा है उस पर सवार हो जाओ। वो वायु की गति से तुम्हें वहां पहुंचा देगा। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद स्वामी जी। लम्मा लम्मा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ओ, ओ। मैं अपनी मन की बात बताने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। तुम्हारे आसपास सब लोग रहते हैं, इसीलिए कभी नहीं कह पाया। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस करो अपनी बकवास, मैं मेरा पति हेमंत को मान चुकी हूँ। क्या कह रही हो हेमंत? वो तो बालवीर के साथ सन्यासी बनने जंगल चला गया। नहीं नहीं, मेरा कामदेव तो वही हेमंत होगा और दूसरा कोई भी नहीं। अगर उससे विवाह करोगी तो तुम्हें बुक्कापट्टनम छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, दिल दिया तो छोड़ दूंगी क्या? जरूरत पड़ने पर मैं उसे साथ ही रहने के लिए कहूँगी। ए, कौन है तू? रुक जा वहीं पे। एलम्मा, मैं तुम्हारा हेमंत। एलम्मा, हेमंत, एलम्मा, हेमंत। क्या है हेमंत, कैसे हो तुम? दुबले हो गए हो। वो सब बाद में, लेकिन पहले हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ना किला संभालो। हाँ। चलो। जी महाराज। स्वयंवर में पहले कुटी मध्यस्थ साम्राज्य के राजा रामगोपाल राव की पट्टनम युवराज चेन्नकेश्वराज के बीच स्पर्धा होगी। तिम्मम्मा मेरी है, मेरी विजय की जयकारे लगाओ। मैं हूं सबसे बड़ा वीर। तिम्मम्मा मेरी है, अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए। मैं हूं बालवीर। तू आ गया, आ जा, आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज दिखाऊंगा तुझे अपनी ताकत। आ। हाँ, आ रहा हूं। नहीं, hey. मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बालवीर की जय, 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 बालवीर की महाराजी, महाराजी,
हमारी भी शादी करवा दीजिए। आयुष्मान बाबा। सुनिए जी, दूध लाई हूँ। अच्छा ये बताइए कि मेरे पास क्या है? तुम्हारा ये तरुण सौंदर्य। नहीं वो नहीं, आपको देने के लिए मैं कुछ लाई हूँ। तुम्हारा हृदय। सच में बहुत चालाक हैं आप। मेरे पीछे क्या है ये बताइए। वो तुम्हारा हृदय तिलक है। अच्छा ठीक ठीक बताइए ना। ठीक है। ये देखिए। अरे ये तो मेरे जैसा ही है। इसे मैंने बनाया है। फिर भी मुझे देखे बिना तुमने मेरी प्रतिमा बनाई कैसे? भैया नारायण ने आपकी रूपरेखा का वर्णन किया तो मैंने चित्र बना दिया। तुमने मुझे तुम्हारे हृदय में कैद करके ये चित्र बनाया होगा। ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल सही जीवन साथी हो मेरी। अच्छा तुम स्वयंवर के लिए कैसे राजी हो गई? क्योंकि मैं जानती थी कि स्वयंवर आप ही जीतेंगे। मैं आऊंगा ये तुम्हें कैसे पता था? अगर मैं नहीं आता तो तुम उस फणिंद्र से। ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागने वाली थी। लेकिन श्रीनिवास जी और अलुवेल मंगम्मा मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन देकर कहा कि बालवीर स्वयंवर में आएंगे। भगवान श्रीनिवास पर भरोसा रखकर ही मैं इस स्वयंवर के लिए तैयार हो गई जी। तिम्मम्मा, मेरी बातों से अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना। सुनिए जी, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके लिए कार्य दासी हूँ, करुणा के लिए मंत्री हूँ, भोजन के लिए माता हूँ और रंभा की तरह मैं आपको प्यार करना चाहती हूँ जी। बस बस तिम्मम्मा, इस खुशी के समय में दुख के लिए कोई भी जगह नहीं है। पिताजी मैं अब जीना नहीं चाहता। उस पालवीर से पराजय को मैं भूल नहीं पा रहा। तिम्मामा के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं स्वयं को आग लगा कर भस्म कर दूंगा। वही काम कर। ऐसा क्यों कह रहे हो कुमार? तुम्हारी उम्र 100 साल तक होगी, बाल बच्चों के साथ खुशियां मनाओगे तुम? ऐसी बातें शुभ नहीं है। मंत्री जी आप ही समझाइए इसे। हाँ युवराज, तिम्मम्मा से विवाह नहीं हुआ तो क्या इस लोक में सुंदरियों की कमी है क्या? नहीं है मंत्री, मेरे मन में तिम्मामा बस चुकी है। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तिम्मम्मा ही नहीं कोई दासी मिल जाए तो बड़ी बात है। तिम्मम्मा का विवाह हो चुका है और पराई स्त्री के बारे में सोचना महापाप है। आपकी नी बेकार बातों ने तिम्मामा को मुझसे दूर कर दिया है। बालवीर को उसी दिन जंगल में खत्म कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये विधि का विधान है कुमार। हाँ युवराज, शादियाँ तो स्वर्ग लोक में ही निश्चित हो जाती हैं। उसको बदलना किसी के बस की बात नहीं। तिम्मम्मा से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसे पाकर रहूंगा। अरे दरिद्र, उस बालवीर का अंत करके तिम्मम्मा को अपना बनाऊंगा। अरे बाप रे, ये अच्छी बात नहीं है। वो विवाहित है पुत्र, ऐसा सोचना बंद कर दो। है? आपकी बेकार की बातें सुनकर मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज से उस बालवीर को खत्म करके तिम्मम्मा को पाना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। दूसरों की औरतों पे बुरी नजर रखने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं युवराज। सोचना बंद कीजिए मंत्री जी, और आप कोई नई व्यू रचना कीजिए। देता हूँ तुम्हारी मौत के लिए अच्छी सलाह देता हूँ। कहा? कुछ भी नहीं युवराज जी। मामा जी, मेरा विवाह हुए काफी दिन हो गए हैं। खाने पीने और मनोरंजन के लिए कितने दिन तक ससुराल में रहेंगे? गुटी वेलू में मेरे बड़े पिताजी के लिए फणिंद्र उनके बगल में भाला बन गया है। मैं जाकर उसे पाठ सिखाऊंगा, और वैसे भी हमें राजा होने की जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए मैं कल ही गुटी वेलू जाना चाहता हूँ। बेटा, तिमामा के बिना मैं एक भी दिन नहीं रह सकता हूँ। हमारे पिताजी ही नहीं, हम लोग भी उन्हें एक दिन भी देखे बिना नहीं रह सकते। भैया ऐसी कौन सी बात है, शादी हो जाने के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। भैया शादी होने के बाद मायके में रहने का मन नहीं कर रहा क्या? दादी माँ ऐसा मत बोलिए, अपने पति के साथ साथ चलना ही पतिव्रता धर्म का पालन होता है। शादी के बाद सारी पतिव्रताएं अपने पति के साथ ही चलती हैं और मैं भी यही करना चाहती हूँ। सही कहा ना मैंने दादी माँ? पिताजी मेरी एक इच्छा है। बोलो बेटी। आंजनेय शास्त्री जी को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो हमें पुराणों का ज्ञान दे सके पिताजी। ठीक है बेटी। सुनिए जी, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे?
बिल्कुल पूछ सकती हो। मैं बहुत ही श्रद्धा भाव से वेंकटेश्वर स्वामी जी की पूजा करती हूँ, क्या मैं इन्हें अपने साथ ला सकती हूँ? हाँ मम्मा, ये कैसा प्रश्न है? भगवान की मूर्ति ले जाने के लिए कोई मना कर सकता है क्या? ऐसी बात नहीं है जी, रंगराज जी शिव भक्त है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे पगली ती मम्मा, शिव केशव के बीच में अंतर नहीं होता, तुम बिना संकोच किए मूर्ति अपने साथ ला सकती हो। संभल के जाना ती मम्मा, अपना ख्याल रखना, जल्दी आओ। आ रही हूँ भाभी। बेटा वेंकट राव, विजयी भव, सौभाग्यवती भव, आपके आने का कारण? युवराज ये लीजिए, विजयनगर से आपके लिए ये संदेश आया है। हाँ ये क्या, विजयनगर के चक्रवर्तियों के खिलाफ जाने वाला कोई है क्या? मंत्री जी इसे पढ़कर सुनाइए। अभी पढ़ता हूँ। बाहुमनी सुल्तान फिरोज शाह ने पैदा कामुटी वेगना से हाथ मिलाकर विजयनगर पर हमला करने के लिए सेना के साथ नगर को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें ये बात गुप्तचरों से पता चली है। उनसे युद्ध करने के लिए आपको प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया है। सभी सामंत राजाओं, संस्थाधीशों, दंड नायकों को आपके आदेशों का पालन करना है, ये आदेश जारी किया गया है। सुबह होने से पहले पेंडुगोंडा पहुंचकर आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने की आज्ञा दी गई है। विजयनगर सम्राट, ये क्या है, उस बाहुमनी सुल्तान से युद्ध है? बालवीर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे? बड़े पिताजी, चक्रवर्ती जी ने हम पर जो विश्वास रखा है उसे व्यर्थ नहीं होने देंगे, हमें जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है बालवीर, तुम अभी बहुत छोटे हो। सासू माँ जी, आप इन्हें निरुत्साह मत कीजिए, वो अच्छा राज्य है, ऐसे समय में इनके कदम पीछे नहीं हटने चाहिए, ये अपने कार्य में जरूर विजयी होकर लौटेंगे। सोचिएगा मत, आशीर्वाद दे दीजिए। आप विजयी होकर आए इसलिए पूरा गांव जीत की खुशियां मना रहे हैं। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती जी ने आपके धैर्य और साहस को देखकर ये हीरे और जवाहरात आपको भेंट में दिए हैं। फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं जी? ती मम्मा, ये लो। सैनिको, इसे बंदी बनाओ। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, अगर आप ना आते तो मेरा क्या होता? मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या राजन? मतलब आप? विजयनगर साम्राज्य के प्रभु ने तुम्हारी मदद करने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आपका राज कौन सा है? हमारा चंद्रगिरी राज है। मेरा नाम है वेंकन बाबू, मैं तिरुपति वासी हूँ। आपका मस्तक तिरुनाम बता रहा है कि आप तिरुपति वासी हैं। ये नारायण कहाँ चला गया? युद्ध खत्म होने के बाद जब उनके बारे में पता किया तो ऐसा कोई आदमी नहीं है पता चला। ये सब मेरी पूजा की महिमा है जी। सुनिए जी, जब आप युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहे थे तो मैं तिरुमलेशा की पूजा कर रही थी, मेरे श्रीनिवास जी ने ही अपना साथ देकर आपको विजयी करवाया है। हाँ ती मम्मा, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ये भी बताया, तब मेरी समझ में आ गया, मैं उस भगवान को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करना स्वामी श्रीनिवास जी। ओम नमो वेंकटेशाय। सुनिए जी, आपकी विजय और हमारी शादी का कारण ये श्रीनिवास जी हैं, इसलिए मैं अपने मायके से ये श्रीनिवास जी की मूर्ति लेकर आई थी।
सुब्बा रायडू इधर आओ। जी बहन जी। उपहार है। हाँ ठीक है बहन जी। सुब्बा रायडू हार लेकर ऐसे ही जा रहे हो? ले जाने के लिए तो दिया है ना बहन जी। हार दिया है तो उसकी कीमत है। आ? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए बहन जी। वो तिम्मा माँ जिस मूर्ति की पूजा करने वाली है, मैं चाहती हूँ वो मूर्ति तुम कुएं में डाल दो। ये नहीं होगा। वो भगवान की मूर्ति है। वो सच के भगवान नहीं है, मिट्टी के हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तब तो ठीक है। अब उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। सुब्बा राव जी। बोलिए महाराज। इमाम माँ को बुलाइए। जी महाराज। सुब्बा राव। सुब्बा राव। जी बहन जी। ए सुब्बा राव, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मूर्ति। रोज तो देखते हो इस मूर्ति को, आज ऐसे घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं बहन जी, आपको राजा जी बुला रहे हैं। यह प्रसाद खाओ, इससे तुम्हारा डर बिल्कुल चला जाएगा। हाँ हाँ बहन जी। हाँ? बहन जी इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस मूर्ति को रात को कुएं में डाला था, वो मूर्ति सवेरे पूजा घर में कैसे आ गई? हाँ? ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन जी, तिम्मा जी को बुलाने के लिए पूजा घर में गया तो मूर्ति उसी जगह पर थी। हाँ? सच बताओ, तुमने उस मूर्ति को कुएं में डाला था या नहीं? मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने फेंका था। फेंका था? ठीक है, ये किसी को मत बताना। अब जाओ। ठीक है बहन जी। कुएं में फेंकी गई मूर्ति अपने आप वापस कैसे आ गई? सुनिए जी, आपने बुलाया? हाँ ती मम्मा, बैठो। अपना पुत्र श्रीराम नायडू कहाँ है? हमारा बेटा वो झूला में सो रहा है। बड़े पिताश्री और चाचा जी को गुजरे हुए एक साल पूरा हो गया है, तो अब इस घर में हम शुभ कार्य मना सकते हैं, ऐसा ज्योतिष जी ने बताया। विजयनगर के चक्रवर्तियों ने हमें भेंट स्वरूप जो भी धन दिया है, उसे प्रजा की भलाई के लिए खर्च करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा निर्णय लेने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आपका निर्णय ही मेरा निर्णय होगा जी। ठीक है तिम्मम्मा। दीवान जी, अपने राज में तालाबें और नदियाँ खुदवाइए, देवालय बनवाइए और किसानों के लिए जो चीजें कम पड़े उन्हें पूरा कीजिए, मुसाफिरों के लिए आश्रम बनवाइए, इन सब के लिए होने वाले खर्चों का हिसाब करके काम शुरू करवाइए। जी राजकुमार। और इस विषय में आप मेरे भ्राता श्री वेंकटपति राय की भी सलाह लीजिए। हमें बहुत खुशी है राजकुमार जी, काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। प्रजा धन धान्य के साथ और सुख संतोष के साथ जीनी चाहिए। खजाने से पैसा दान कर दीजिए, आखिर में हमारा क्या होगा? इस विषय में कुछ सोचना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जय हो महाराज। कोकंटी पालिया जी का बेटा कुमार मल्लव राव आ रहे हैं। ये बात है तो मैं स्वयं ही स्वागत सत्कार करूंगा। जी महाराज। प्रणाम मल्लपराय जी। प्रणाम। आइए यहाँ विराजिए। धन्यवाद। मल्लपराय जी, आपके आने का कारण? आप दोनों लोगों का शौर्य सुनकर अभिनंदन करके भेंट देना चाहता हूँ। मैं गलत समय पर तो नहीं आ गया? ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे समय पर ही आए हैं। अभी तो बंधु मित्र सह परिवार के साथ आपने भोजन करने का हमें अवसर दिया है। भैया, तिरुपति दर्शन के लिए गए हुए हमारे माता पिता, भैया भाभी आज आ रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं हमने। उन लोगों के आते ही हम लोग भोजन करेंगे, यही कह रहे हैं ये। क्या बात है, गुडविल से वेंकट राय जी आ रहे हैं, क्या सुअवसर है। मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। लगता है घर से निकलने का मुहूर्त बहुत अच्छा था। सेनानी, उस पेटी को अंदर ले आइए। जी महाराज। बालवीर, इन्हें हमारे पूर्वजों को सैकड़ों वर्ष पहले एक महायोगी ने भेंट दिया था। ये शस्त्र जहां रहते हैं वहां पर विजय अवश्यंभावी है, परंतु इन्हें धारण करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसे मैं यहां लाया
क्योंकि आप इसके लिए सुयोग्य हैं बालवीर। महाराज, महाभारत में जिस तरह अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया गया था, उसी तरह यहाँ दरबार में मल्लभ जी ने आपको शस्त्र भेंट किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धर्म ग्रंथों के ज्ञाता शास्त्री जी ने अच्छी तुलना की है। बालवीर, एक बात कहनी है। इस तलवार को प्रयोग में लाने से पहले घर में होने वाले किसी शुभ कार्य में इसे रखना चाहिए, फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूजा गृह में रखकर इसकी पूजा करेंगे। बहन तिमम्मा, आपके परिवार के पुरुष जब काशी क्षेत्र में गए थे और जिन चोरों ने गुडवेल पर आक्रमण किया था उन्हें वीरता से आपने हराया था, इसीलिए मैं आपके लिए भी कुछ उपहार लेकर आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जीजा जी, इस बार संक्रांति त्योहार बहुत अच्छा मनाया गया, ये कहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है। क्या हुआ बेंगमन अम्मा, आप क्यों खुश नहीं है? पिताजी, आपके दामाद को अब आप ही समझा सकते हैं, बड़े तो ये हैं, तो गुटवेल का राजा उन्हें बनाना कहाँ का इंसाफ है। बालवीर जितने दिन तक राजा रहेंगे आपको उनका सहायक बनकर रहना होगा। आपको राजा बना हुआ देखने के लिए मेरी और मेरी बेटी की भी इच्छा है। हाँ वेंकटपति राय जी, तब गुटवेल का राजा आप ही हैं, ऐसा हमारे बंधु मित्रों को बताया गया था। लेकिन अब ये बात पता चलेगी तो हमारी इज्जत और शोहरत तो चली जाएगी ना। कुछ भी हो, बालवीर है तो मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है। मुझे है, आप राजा बने और मैं रानी बनूं, मेरी ये इच्छा है। दामाद जी, सुना है आप अपने भाई बालवीर की बात हमेशा मानते हैं, क्यों है ना? हाँ महामंत्री, बालवीर जैसा पराक्रमी इस आसपास के राज्यों में नहीं है, इसलिए हमें उन पर गर्व है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो मुझे तिमामा की हर बात को मानना पसंद नहीं। अपने होने वाले बच्चे को भी उसका नौकर बना के रखूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ दामाद जी, वेंगन मम्मा ने सच बोला है। महामंत्री जी, जरा आप भी बताइए। बताता हूँ। हाँ वेंकटपति राय जी, ये मामला आपका और आपकी होने वाली संतान का है, इसलिए अगर आप एक बार सोच लें तो मौन भी स्वीकार की तरह ही होता है। हमें पता चल गया, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको राजा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप जाकर विश्राम कीजिए। महाराज, पहले हम लोगों को उनके प्यारे लाडले बेटे श्री राम नायडू को रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक जहरीला विष है, इस विष की बस एक बूंद दूध में मिलानी है। फिर जैसे ही वो दूध पिएगा उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारने के लिए विष का प्रयोग हुआ है। बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया। जी महाराज। लेकिन याद रखना बेटी, विष का प्रयोग बहुत सावधानी से होना चाहिए, नहीं तो। पिताजी देखेंगे ना, मैं आपकी बेटी हूँ। हम जरा होकर आते हैं माँ जी। अरे इसे अपने साथ में क्यों ले जा रही है, ला मुझे दे, मैं संभालती हूँ। आजा बेटा आजा। सुनिए जी, अगर इस समय हमारा बेटा भी अपने साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। अभी भी तुम्हारा मन तुम्हारे लाडले बेटे पर ही अटका है क्या? क्यों ना होगा जी, हमारे बेटे को छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मोटम माँ ने कहा था कि अगर बच्चे को लेके आ गए तो वो हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनेगा, और वैसे भी बच्चों को जंगलों में नहीं घुमाना चाहिए, ऐसा नागन्ना ने बताया। और वेंगम्मा भाभी ने बताया था कि वो बच्चे की देखभाल करेगी, जब इतने सारे लोग हैं तो चिंता किस बात की, और हम तो यहाँ पर वन विहार के लिए आए हैं, वनवास के लिए नहीं आए। वो बात नहीं है जी। मम्मा जरा वहाँ देखो, पानी का झरना, और यहाँ देखो हिरनों की जोड़ियाँ, पंख फैलाकर नाचने वाले मोर, फूलों से भरी झाड़ियाँ, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सुंदर लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है प्रकृति हमें आमंत्रित कर रही है।
है, कोई आ रहा है यहाँ पर। हाँ वो तो अपना चिन्नप्पा लग रहा है। क्या बात है चिन्नप्पा? आपको बड़ी माँ जी ने फौरन किले पर आने के लिए कहा है। क्या हुआ? माँ जी ये बात मेरे मुंह से नहीं बता सकता। अरे तुम बताओगे या नहीं? महाराज श्री राम नायडू, श्री राम नायडू। हाँ बोलो क्या हुआ श्री राम नायडू को? माँ जी वो इस दुनिया में नहीं रहे। तिम्मा बेटा, बेटा, श्री राम बेटा, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैं कितनी अभागन हूँ। स्वामी श्रीनिवास, भगवान। तिम्मा, हमारे रोने से अब बच्चा वापस नहीं आएगा। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, शांत हो जाओ तिम्मा। दीदी हिम्मत रखो तिम्मा। महारानी जी आपको मिलने के लिए कोई नया आदमी आया है। अंदर बुलाओ उसे। प्रणाम माँ जी। नानचरैया ठीक तो हो ना? ठीक हूँ माँ जी। क्या बात है बताओ? तिम्मा कौन है ये और ऐसे रो क्यों रहे हैं? इसका नाम नानचरैया है। ये हमारे बुक्कपट्टनम के किले पर आकर साड़ियाँ बेच कर जाता है। ए नानचरैया क्यों रो रहे हो? तुम्हारी साड़ियाँ या पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं क्या? नहीं माँ जी, बुक्कपट्टनम में एक घटना घटी है। बुक्कपट्टनम में? क्या हुआ बोलो। तिम्मा क्या हुआ साले साहब? क्या बताऊं जीजा जी, हमारे पिताजी अपनी मौत की बात आपको नहीं बताने के लिए हमसे वचन लेकर गए। आप यहां आएंगे तो आपको भी क्षय रोग पकड़ लेगा, ये उनकी सोच थी। पैदा होने के बाद जीव का मरना जरूरी है, ऐसे ही अपनी मौत से कोई दुखी ना होवे गीता का उपदेश दिया उन्होंने। पिताजी को दिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सका, इसीलिए आपको बता नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। आखिरी वक्त में मैं अपने माँ और पिताजी को नहीं देख पाई, ना ही आशीर्वाद ले पाई। नानचरैया ने आकर ना बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता भैया। रो मत बहन, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। रो मत। जीजा जी आप दोनों तिरुपति जाकर उनके दर्शन करें, पिताजी की यही आखिरी इच्छा थी। ठीक है साले जी। बालवीर, तिम्मा, बालवीर, तिम्मा। स्वामी जी आप? आयुष्मान भव। तिम्मा जब मैं जंगल में था तब इन्होंने ही मुझे स्वयंवर के बारे में बताया। तलवार और घोड़ा देकर भेजने वाले यही तो महापुरुष हैं। मतलब हमारे प्रत्यक्ष देव यही हैं? पुत्र बालवीर, ये तिम्मा पूर्व जन्म में मेरी अत्यंत प्रिय शिष्या थी, और तो और ये भगवान श्रीनिवास की बहुत बड़ी भक्त हैं। अच्छा वो कैसे? मैं अब तक समझा नहीं, मुझे समझाइए ना। ये तिम्मा पूर्व जन्म में कुजरीहुरी नाम के एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। उन दिनों आचार व्यवहार के हिसाब से इसका बाल विवाह हो गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसका पति मर गया। ये कोई सुख नहीं भोग पाई तो कर्म योगिनी बनकर, सन्यासिनी बनकर ये मेरे पास आई थी, और मैं ईश्वर वन में तपस्या कर रहा था। मेरी शिष्या बनकर इसने मेरी बहुत सेवा की थी। तत्पश्चात कालिंद्र नाम के एक नीच ने जंगली जानवरों का शिकार करते हुए हमारे प्रांत में आकर हमारा शोषण करके हमारी तपस्या को भंग कर दिया था।
इसलिए हमने वो प्रांत छोड़कर तिरुमला आकर हम देवी देवताओं की सेवा करने में व्यस्त हो गए। इस तिम्मम्मा ने अपने अंतिम समय में वापस ईश्वरमला जाकर वहां तपस्या करके वहीं पर अपनी अंतिम सांस छोड़ी। इतना ही नहीं, इसका जो पूर्व जन्म का पति था वो भी तू ही है बेटा, इसलिए इस जन्म में इसका तुमसे विवाह हुआ। और तो और, उन दिनों में जो कालिंद्र था वो अभी फणिंद्र है। स्वामी, हमारे गुटीवेलू में आकर हमारे अतिथि सेवाओं को स्वीकार कीजिए। तथास्तु। ठीक है, श्री कालहस्ती जाकर ज्ञान प्रचुर नंबा का श्री कालहस्तीश्वर स्वामी का दर्शन करके आइए। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। महाराज, जो हो चुका है उसके लिए चिंता मत कीजिए। इस जन्म में हमें संतान सुख नहीं मिलेगा क्या? थोड़े ही समय में अपने कुलगुरु आ रहे हैं, क्यों ना हम उन्हीं से पूछकर देख लें। गुरुजी को हमारा प्रणाम। आइए आसन पे विराजिए। सुखी भव, सुखी भव। गुरुदेव, आप हमारे कुलगुरु हैं। आपने सुंगेरी से वापस आकर हमारे घर को पवित्र किया है, इसलिए हम सब बहुत आनंदित हैं। स्वामी, हमारी एक इच्छा है। 10 वर्ष पहले हमारे 1 वर्षीय पुत्र श्रीराम नायडू की मृत्यु हो गई थी, तत्पश्चात हमें कोई संतान नहीं हुई। भविष्य में हमारे भाग्य में संतान योग है। बालक, चिंता मत करो, आपको संतान योग नहीं है ऐसा किसने कहा? आप अपने कुलदेव को भूल चुके हैं। आपके पूर्वज हर बौद्ध पूर्णिमा को गुटविल राज के प्रजाओं से मिलकर शिखर के ऊपर जाकर वहां गड़े खंबे पर ज्योति को जलाकर पूजा करते थे, रात वहीं बिताते थे, यही उनकी परंपरा थी। इस बात को आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आया है। अगली पूर्णिमा बौद्ध पूर्णिमा है और इस दिन आपको एक कार्य करना है, आपकी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। अवश्य स्वामी। एक बात याद रखना, इस अखंड पूजा को बिना किसी रुकावट के आपको संपन्न करना होगा। जी अवश्य गुरुदेव, हम दोनों मिलकर उस पूजा को सफल करेंगे। शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं। महाराज, कुमार मल्लप्राय के दिए हुए तलवार को पूजा में रखने का समय आ गया है। ठीक है शास्त्री जी। युवराज जी, युवराज जी, आपके लिए प्रसन्नता की बात है। आने वाली बौद्ध पूर्णिमा को बलबीर और तिम्मम्मा दोनों पहाड़ पे जाकर के पूजा करेंगे और वहीं पर रात भी बिताएंगे। वो पूजा कर रहे हैं और रात वहाँ बिता रहे हैं तो इससे हमें क्या? पिताजी, अपनी बेकार की बातें बंद कीजिए। ये लो। धन्यवाद युवराज जी। मंत्री जी, इतना अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। किस्मत ने खुद दरवाजा खटखटाया है। अरे पागल दरिद्र, किस्मत तेरा दरवाजा खटखटाई? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्या व्यूहरचना ये सोच रहा हूँ मैं। उस बालवीर को पूजा के दौरान ही कुलदेव की पूजा की बलि बनाना है, तिम्मम्मा को पाना है। इसके लिए जितनी भी फौज की जरूरत है तैयार कीजिए। कुमार फणिंद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मदिरा के नशे में कुछ भी बोल रहे हो। सीता को पाने के लिए रावण का क्या हुआ पता है ना? तिम्मम्मा से भी सुंदर लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। पिताजी आप अपनी बकवास बंद कीजिए, मुझे तिम्मम्मा चाहिए। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकेगा। तो ठीक है, यही सही। क्या आपके मारने के बाद तो हो सकता है? इसको अगर सच बता दूंगा तो मुझे भी मार देगा। कोई है वहां? जी युवराज। इस लाश को ले जाओ। ठीक है युवराज। युवराज? युवराज नहीं, आज से मैं महाराज हूँ। महाराज, हमारे पास बालवीर पर हमला करने के लिए मजबूत सेना नहीं है महाराज। उसके लिए गुर्रम कोंडा नवाब की मदद लेना होगा। मेरी पहचान से उन नवाबों से आपकी पहचान करवा देता हूँ। आप उन लोगों को झूठ मूठ बातें बताकर हमला करने के लिए मदद ले लीजिए। ठीक है, आप बंदोबस्त कीजिए। ठीक है महाराज। बाप रे बाप रे। Thank you.
वो फड़िंदर गुर्रम कोंडा नवाब के साथ अपने पे हमला करने आ रहे हैं। ऐसा है क्या? देखते हैं कितनी चर्बी है। अब क्या करेंगे? मैं सेना के साथ जाकर उसका खात्मा करके आऊंगा। चलो। यही हाल तुम्हारे राजा का भी होगा। हैदर अली, तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो। फड़िंदर ने अपने पिता की हत्या करके उनका दोष बालवीर के सर पर मढ़ दिया है। तिमम्मा को पाने के लिए ये कलयुगी रावण ऐसा कर रहा है। बालवीर तिमम्मा पुण्य दंपत्ति हैं, उनके साथ देवताओं का आशीर्वाद है। तुम उन लोगों का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। मेरी बात मानकर तुम वापस लौट जाओ। खामोश। झूठ बोलकर गुरम कोंडा से गुडविल बुलाया। उस बालवीर की अच्छाई के बारे में अल्लाह ने अभी हमें बताया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अब बिल्कुल नहीं करूंगा। नवाब, अपनी बात से पलटो मत। चुप। अपनी बात से नहीं पलट रहा हूँ फड़ेंद्र। तुम्हारी चालबाजी पता चल गई। तुमको दिया हुआ अपना वादा भी वापस लेता हूँ। तुम बालवीर से डर रहे हो? मुझे छेड़ो मत फड़ेंद्र। उस बालवीर के हाथों से तुम्हारी मौत निश्चित है। ठीक है, पहले उसे मारूंगा, उसके बाद तुझे देखता हूं। यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। मंत्री जी, क्या बात है? प्रभु, वो फड़िंद्र गुर्रम कोंडा नवाब की मदद से हम पर हमला करने वाला है। हाँ? इतना ही नहीं, सेनापति मल्लैया वो भी मारे गए हैं। हाँ? और फड़िंद्र इस पहाड़ी पर पहुंच चुका है। हे भाई भीत मानव, हम पूजा में बैठे हैं, तभी हमसे तो युद्ध करने आया है। बालवीर, ये तुम्हारी आखिरी पूजा है। मुंह बंद कर, तू हमारे पैरों के नखों समान भी नहीं है। तो मुकाबला कर। नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, बालवीर, तुम्हारा धैर्य, साहस और वीरता देखकर तुम्हारा गुलाम बन गया मैं। ये फड़िंद मुझसे झूठ बोलकर यकीन दिलाकर तुमसे युद्ध करने के लिए ले आया था। हमें माफ कर देना। अब ठीक तो है ना? बालवीर की जय। बालवीर की जय। बालवीर की जय। बालवीर, अब मैं चलता हूं। वो विष लगी हुई तलवार थी। उस प्रहार से पूरा शरीर विषमय हो गया है। उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? हाँ, उस दुष्ट फणीन्द्र ने इन पर दुश्मनी से
जहरीले तलवार से युद्ध किया? हाँ बेटी, मुझे आज्ञा दीजिए। बहन जी, अब क्या करेंगे? वकंटी मैकलचरु वैद्य बुक्कपट्टनम से भाई नारायण के साथ आकर हमसे नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। बेनुगोंडा के राजवैद्य से भी इलाज करा के कोई फायदा नहीं है। माँ, मेरी इस बीमारी को कोई ठीक कर सकता है क्या? मुझे इनकी वेदना देख ही नहीं जाती, पूरे शरीर में जहर फैलता जा रहा है। अब तो श्री हरि ही इनका कल्याण करेंगे। बहन जी, आपको एक बात बताना है, वो मुनियप्पा नायडू किले में कोई राजद्रोह का षड्यंत्र बना रहा है। मैं जानती हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर भी उस भगवान की इच्छा जो होगी उसी के अनुसार होगा। देखो माँ जी, ये फैलने वाली बीमारी है, अब लोग बीमारी का डर दिखा करके उन सबको महल से बाहर कर देंगे। अपनी युक्ति रंग लाई, अब कोई रुकावट नहीं है। महामंत्री जी षड्यंत्र रचेंगे तो बिना बेहोशी की दवा के किसी इंसान को हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। ससुर जी, आपने अच्छी सलाह दी, इसे कोई भी अमल में ला सकता है। हाँ पिताजी, कल ही उन लोगों को किले से बाहर निकाल देंगे। तिमम्मा जी, पेनुगोंडा के राजा ने जो आपके पति को धन दिया था वो राज का सारा धन उन्होंने खर्च कर दिया है, इसीलिए राज का सारा खजाना खाली हो गया है। राज्य का दिवाला निकल गया है, बचे हुए पैसे भी खर्चा कर रहे हैं। प्रजा के लिए ही इन्होंने सारा धन खर्च किया, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। कुछ भी हो, अब तुम्हारा ये खेल नहीं चलेगा। सुना है वो मामूली बीमारी नहीं है, वो कुष्ठ रोग है। इतना ही नहीं, वो लोगों में फैल भी जाता है, जो लोग भी उसके साथ रहेंगे उनको भी ये बीमारी हो सकती है। मैं 3 साल से इनकी सेवा कर रही हूँ, अगर फैलने वाली बीमारी होती तो फिर ये बीमारी मुझे क्यों नहीं लगी? वो सब हमें नहीं पता, तुम लोग तुरंत किला छोड़कर जाओ, नहीं तो सैनिकों से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। चले जाओ यहाँ से, आज के बाद नजर मत आना। ये क्या समय आ गया है, महल का मालिक ही महल से बाहर। अगर राज्य चाहिए था तो एक बार हमसे कहकर तो देखते, हम सब कुछ छोड़कर चले जाते, इसके लिए ये षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी। महाराज, ये क्या स्थिति है आपकी, मैं ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं देख सकता, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। बहन, ये क्या स्थिति बनी हुई है? आज ही शास्त्री जी ने आकर मुझे बताया, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, पता चलते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। ये सब ऊपर वाले का खेल है भैया, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बहन, तुम में इतनी ताकत कहाँ है? राजमहल में पली बढ़ी, कुटिया में कैसे रहोगी? तुम इन सब दुखों को कैसे सहन कर पाओगी, बताओ ना मेरी बहन। साले जी, ये तिमम्मा को भगवान का दिया हुआ वरदान है, देखिए ना कितने सारे लोग द्वेष कर रहे हैं, फिर भी अपना धर्म निभाकर ये मेरी सेवा कर रही है, क्या कहें इसके अंदर के साहस को। जीजा जी, आप तुरंत हमारे साथ चलिए, हम सभी बुक्कपट्टनम चले जाएंगे। भैया, आप हमें क्षमा कर दीजिए, दया करके हमें वहां मत बुलाइए, जीना या मरना हमें यहीं पर है। तिमम्मा, इतनी बड़ी हो गई हो, सती अनुसुईया, सती सावित्री, उनकी जैसी बातें कर रही हो। हाँ साले जी, आप दुखी मत होइए, ये देखिए ये सोने का खंजर ले लीजिए, ये सोने की कड़ा ले लीजिए, सब सोने की चीजें, अपने भाई को निकाल कर दे दो, क्योंकि अब इन पर इनका ही हक है। भैया, ये लो भैया। बहन, तुम लोगों के बगैर ये चीजें बेकार हैं, मैं इन सब का क्या करूंगा, वो श्रीनिवास ही आप लोग को बचाएंगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चलता हूँ बहन। जीजा जी, मैं जा रहा हूँ। भैया रुक जाइए, आप हमेशा हल्दी कुमकुम से, रेशमी वस्त्रों से अपनी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते थे, इसलिए आपसे एक बात कहनी है, अगर बालवीर को कुछ हो गया तो मैं सती सहगमन करना चाहती हूँ। नहीं बहन, तुम्हारा भाई नारायण जीते जी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगा। नहीं भैया, इनके बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है। मम्मा, इस समय मुझे अपने गुरु के दर्शन करने का मन हो रहा। हाँ है जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। पुत्री तिमम्मा,
स्वामी आप यहाँ, ये कैसा आश्चर्य है, हम दोनों अभी आपको ही याद कर रहे थे और इतने में ही आपने हमें दर्शन दे दिए। पुत्रों, आपकी इच्छा पर ही हम यहाँ आए हैं। सूत्रधार जिस तरह पर्दे पर खिलौनों को खिलवाता है, बिल्कुल उसी तरह परमात्मा भी सृष्टि को जैसे चाहे वैसे कर्मों के अनुसार चला रहा है। हरि शंकर भी इस कर्म फल के भोग से वंचित नहीं हुए। विजयी भव, उठो। स्वामी, हमने क्या पाप किया है? पाप आप लोगों ने नहीं किया, आप कारणवश जन्मे हो। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मरा हुआ मनुष्य वापस पैदा होता है, कर्म फल के भोग से वो बच नहीं सकता। इसलिए धैर्य रखिए, आपका जन्म सफल हो जाएगा। प्राणेश्वरी, पूर्व जन्म के पुण्य फल से ही तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। तुम जैसी पतिव्रता के कारण मेरा ये जीवन और मेरा ये जन्म धन्य हो गया। हमारा ये गंगराज वंश चरितार्थ हो जाएगा। 25 वर्षों का अपना सांसारिक जीवन 25 दिनों जैसा बीत गया है। प्राणेश्वरी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई और अंतिम समय में गुरुदेव के दर्शन भी हो गए। वो देखो प्राणेश्वरी, मुझे कोई लेने आ रहा है। मुझे उनके साथ जाना होगा। प्राणेश्वरी, मम्मा, मुझे क्षमा करना। नहीं, ये सब क्या हो गया? मेरे साथ अन्याय किया आपने। इस आधी रात को मुझे अकेला छोड़कर चले गए आपने। स्वामी श्रीनिवास, मेरे पति के साथ जाने का मुझे वरदान दीजिए। प्रजाजन, आने वाले समय में ये पेड़ महावृक्ष बनकर दुनिया की ख्याति पाएगा। तुम लोगों को हरियाली देखकर मेरी याद में ये तिम्मम्मा वटवृक्ष के नाम से जाना जाएगा। तिम्मम्मा, हमें माफ कर दो, तुम्हें तकलीफ देने के बाद हमने भी बहुत भोगा है। हमारी विनती है कि किले में वापस आ जाओ। आप हमारे किले में आकर हमारी सेवा पाकर हमारा उद्धार कीजिए। नहीं वेगमनम्मा, मुझे आप पर कोई गुस्सा नहीं है। ये सब तो उसकी लीला है, हमारा काम हमें करने दीजिए। बहन, आपकी महिमा मैं कैसे बताऊं? खे हुए पौधे को भी आप हरा कर देती हैं, तीर से घायल हुए पक्षी का घाव ठीक करके उसे उड़ा देती हैं, धूप में तपते इमली के पेड़ को जो हम सबको छाया प्रदान करता है उसे अपने श्राप से एक पल में आप जला कर राख कर देती हैं। ऐसी शक्तियां हैं आप में बहन। आपकी महिमाओं को मैं पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। नायडू जी, आप हमारे भाई जैसे हैं, हमें क्षमा कीजिए। आपका राज्य सुख और शांति से रहेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। बहन, आप तो सब कुछ जानती हैं। विजयनगर के राजा सती सहगमन के विरुद्ध हैं। उन्हें यदि ये पता चलेगा तो मुझे राज्य से निकाल देंगे। माँ जी, सबको दान दे रहे हैं आप, मैं आपका कपड़ा धोने वाला, मुझे कोई दान नहीं देगा? नायडू भैया जी, हाँ। आपके सर की पगड़ी मुझे दे दीजिए। ये ले लो। माँ जी। बहन, मैं कुछ समझा नहीं, आपने मेरी पगड़ी इसे भेंट दे दी? चिंता मत करो भैया, ये पगड़ी आपके घर पहुँचने से पहले ही पहुँच जाएगी। नायडू भैया, ये आपके भलाई के लिए ही कर रही हूँ। ये मन ही मन में आपकी पगड़ी को मांग रहा था, इसे मैं दान में दे रही हूँ। आपका जन्म जन्म का पाप कर्मों से धुल जाएगा। आज आपकी अग्नि से दुर्घटना होने वाली थी, आपको दुर्घटना से बचाने के लिए इमले के झाड़ पर मैंने प्रयोग कर दिया। आप जब तक जीवित रहेंगे प्रजा की सेवा करते रहिए, लंबी उम्र जियेंगे आप। धर्म रक्षिता रक्षिता। नायडू जी,
सती सहगमन के लिए आप मुझे अनुमति देंगे तो आपको राज्य से निकाल देंगे, ये डर है ना आपको? ये तिम्मम्मा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देगी, मैं मेरे मार्ग से चली जाऊंगी। सती सहगमन के लिए आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन मेरे पति के साथ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुदेव जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहन जी उठिए, मुनि जी चले गए हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ जी, ती मम्मा, अरे माँ, माँ जी गिर गई, माँ जी गिर गई, ती मम्मा को क्या हो गया, क्या हो गया, उठा दी मम्मा, उठा दी मम्मा, माँ जी क्या हो गया, बहन क्या कर रहे हैं? बहन थी मम्मा, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, मैं सही समय पर नहीं आ पाया, आखिरी बात तुझसे बात भी नहीं कर पाया। ये लो बहन, तुम्हारे लिए लाया हूँ सिल्क की साड़ी, हल्दी, कुमकुम, चूड़ियाँ। मन भरा है मेरी बहन। भैया नारायण, मैं जब तक आपके साथ थी आपने मुझे बहुत ही प्यार दिया, आप जैसा भाई हर एक बहन को मिले ऐसी ही मेरी इच्छा है। आपने मेरे लिए जो चीजें लाई वो अग्नि कुंड में डाल दी आपने, ये सभी चीजें बुक्कापट्टनम में अपने घर पहुंच जाएंगी। आपके जाते ही भाभी में आपको बदलाव नजर आएगा और उस बदलाव में आपको अपनी बहन नजर आएगी। भैया आप सबका भला हो। बहन